हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हो रहा है मॉर्निंग का समय और अभी बजे हैं सुबह के 8 बजे हैं और मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है और हस्बैंड जी भी जा चुके हैं स्कूल, बट मुझे अभी मॉर्निंग के बहुत सारे रूटीन अभी ख़त्म करने हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर जो भी नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं यहाँ पे सारे बिस्तर को अच्छी तरह से सेट कर दूंगी और मैंने फर्स्ट रूम में पहले से ही सेट कर दिया था। जब मैं उठी थी ना उसी समय मैंने झाड़ू लगा रही थी, उसी समय मैंने सेट कर दिया था। और हस्बैंड जी जा चुके हैं स्कूल, बट बच्चे लोग का आज एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। एक और मुझे बहुत से काम निपटाने हैं क्योंकि एक के बाद एक पर्व त्यौहार आते जा रहे हैं। आज है कर्मा का, नहाए खाए है आज, तो ये बिहार झारखंड में बहुत ही जो मनाया जाता है बिहार झारखंड में, तो आज कर्मा का नहाए खाए है। तो अभी मुझे बहुत से काम करने हैं और बहुत सी तैयारियां करनी है कर्मा पूजा की और मार्केट भी जाना है। तो वही मतलब अब मेरे ने ये सारे ये जो होते हैं बिस्तर वो समेट लिए थे और अब मैं यहाँ पे आ गई थी पोछा लगाने के लिए और मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही हूँ मॉर्निंग की, क्योंकि बच्चे लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और वो लोग के तरफ भी मेरी जिम्मेवारी है कुछ, तो इसी वजह से तो अभी वो लोग को भी पढ़ाना लिखाना ये हो रहा है। फिर अभी वो लोग को मैं तैयार करके और नाश्ता ब्रेकफास्ट करा के और फिर मैं स्कूल छोड़ने जाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड जी पहले ही स्कूल चल जा चुके हैं और ये लोग का एग्ज़ाम होता है कि 10 बजे से स्टार्ट होगा, तो इस वजह से तो मुझे 9:30 बजे तक वहाँ पर विजिट कर जाना है। और अभी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं तो मैंने बच्चे लोग को कहा कि तुम लोग खुद से नहा लो, फिर उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी। तो यहाँ पर अभी मैं ये सारे जो काम है वो मैं निपटा लेती हूँ। देख सकते हैं अभी जा रही है श्रेया नहा लेगी और ये तब तक मैं बर्तन धो लूँगी, फिर उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी, बच्चे लोग खुद से नहा लेंगे। तो क्योंकि ऐसे जल्दी जल्दी हो जाता है ना टाइम का, फिर पता ही नहीं चलता है काम करते करते, फिर इधर भी देखो उधर भी देखो, पूरा मतलब कि मैनेज करना पड़ जाता है। तो मैं काफ़ी मतलब कि सुबह ही उठती हूँ, बट कभी कभी होता है कि लेट हो जाता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और अभी अभी जैसे मैंने पहले भी बोला कि एक के बाद एक त्यौहार पर्व आ रहे हैं, तो इस वजह से और भी काम बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं और ख़त्म नहीं। और अभी तो फिर एक और त्यौहार आने वाला है सबसे बड़ा, और ये तो मैं बहुत ही शिद्दत से और बहुत ही अच्छी तरीके से करती हूँ, उसके लिए तो मुझे पूरे घर को ही क्लीन करना पड़ता है। तो अभी ये तो अभी छोटे छोटे त्यौहार आ रहे हैं तो उतना नहीं हो रहा है ज़्यादा, बट अभी बहुत बड़े बड़े अभी और भी त्यौहार आने वाले हैं पर्व त्यौहार। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नहा कर और पूजा कर ली है और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं रेडी हो जाऊँगी। तो अभी बच्चे लोग को मैं रेडी करके और खुद रेडी होंगी, तो बच्चे लोग को मैंने रेडी कर दिया था, बट अभी यहाँ पे बाल मेरे इसी तरह थे तो अभी मैं इसको सुखा लूँगी जल्दी से, और क्योंकि स्कूल भी जाना है। और बच्चे लोग को रेडी करने के बाद उन लोग को ब्रेकफास्ट मैंने दे दिया है, तो वो लोग जब तक कर रहे हैं तब तक मैं यहाँ पर रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि 9 बज गए थे और फिर 9:30 बजे तक वहाँ पे जाना है और पैदल ही जाना रहता है, करीब 15 मिनट का रास्ता है तो पैदल ही जाना पड़ता है। और बच्चे लोग हैं तो शरारत करते करते ही जाते हैं तो और भी समय हो जाता है, तो और एग्ज़ाम है तो लेट भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो कभी लेट भी हो जाएंगे तो चल जाएगा, बट एग्ज़ाम में ऐसे लेट नहीं हो सकते। और फिर मुझे उन लोग को पहुँचा कर और फिर 12 बजे लाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे पहुँचा के मैं आ गई थी बच्चे लोग को, और यहाँ पे अभी और भी काम, मैंने बोला कि और भी मुझे काम बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आईना बहुत ही दिनों से मैंने क्लीन नहीं किया था और सारे आईने थे ना जो गंदे हो गए थे, ये ड्रेसिंग टेबल भी बहुत ही गंदा हो गया था, पर इसको पूरी डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, जैसे कि अंदर से जितने भी सामान है उस तरह से अभी निकाल के नहीं करूँगी, क्योंकि उतना भी समय नहीं है। फिर जब मैं
करूंगी ना, तो सारे घर को जब पूरी अच्छी तरह से क्लीन करूंगी तब उसके बाद फिर मैं इसको भी अच्छी तरह से क्लीन करूंगी, साफ करूंगी। बट अभी होता है ना कि शीशा ये सब वो साफ कर दे रही हूँ, और देख सकते हैं थोड़े से टच करने के बाद, फिर थोड़ा सा साफ करने के बाद शीशा कैसे चमकने लगता है। तो अभी यहाँ पे तीन शीशे हैं मेरे घर पे, एक यहाँ है, फिर एक बेडरूम में है और एक बाहर रूम में है। और ये शीशे हैं ना जो पहले जो मेरा ड्रेसिंग टेबल था ना, तो उसका शीशा जो टूट चुका था, तो उसी का मैंने दो इधर बनवाकर और यहाँ पे इतने छोटे छोटे ऐसे लगा दिए। तो ये अच्छे रहते हैं, जैसे कि कभी भी हस्बैंड जी भी इधर उधर काम करती रहती हूँ मैं, तो इधर भी वो बालू वगैरह ये सब बना लेते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे है, वो वहाँ पे है, तो ये भी बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे काम निकल जाते हैं। कुछ भी चीज़ अगर फेंकने से अच्छा है कि आप उसको यूज कर लो, टूट गया था तो इससे अच्छा कि मैंने कहा कि दो शीशे और बनवा दीजिए, अच्छा लगेगा। और उसमें फिर न्यू शीशा मैंने लगाया है, तो देख सकते हैं सारे जो आईने हैं से चमकने लगे और पूरा चेहरा कितना साफ दिखने लगा है। ऐसे गंदे हो जाते हैं तो कभी कभी साफ करना पड़ता है, और लगे हाथों मैंने सोचा कि ये सब को भी क्लीन कर दूंगी कि ये सब क्यों बाकी रह जाए, तो ये सब को लगे हाथों भी मैं अभी क्लीन कर दे रही हूँ। और बच्चे लोग अभी नहीं थे घर में, और फिर हट से हस्बैंड जी भी घर में नहीं थे, तो वो लोग आएंगे तब तक मैं सारे काम मेरे फिनिश हो जाते हैं। और घर में अगर कोई ना रहे और फिर काम करे तो थोड़ा ठीक लगता है, नहीं तो फिर बच्चे लोग रहते हैं तो उधर काम में फिर होता ही नहीं है, इधर उधर करते रहते हैं। तो देख सकते हैं अभी मैं फ्रिज को भी क्लीन कर दूँगी, इसको भी अच्छी तरह से, अच्छी तरह से क्या, अभी पूरी डीप क्लीनिंग कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ऊपर ऊपर से हाथ साफ़ कर दे रही हूँ लगे हाथों ही, जैसे कि ये सब कर रही हूँ तो इसको भी अभी कर ही दे रही हूँ, क्योंकि कल कर्मा है तो फिर ये साफ़ सुथरा रहेगा घर तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और अभी मुझे मार्केट भी जाना है, मैंने बहुत से सारे काम है अभी मुझे पेंडिंग पड़े हुए हैं बहुत सारे, तो अभी वो सब करना है। तो देखती हूँ हो पाता है आज कि नहीं, कि कल फास्टिंग के ही दिन मुझे ये सब करना पड़ेगा। तो अभी देख सकते हैं ये कर ले रही हूँ। तो कैसा लगा फ्रेंड मेरा आज का ये ब्लॉग, आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, और नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा कर्मा पूजा का, और जो कर्मा धर्मा जो भाई रहते हैं उनका आएगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, अपना।